सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील्स पर कुछ इस टाइप का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। तो आज के इस वाली वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं कि आप कुछ इस टाइप का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो गाइस, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आपको ये एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको अपना उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी वीडियो पर अपने विंग्स को ऐड करना चाहते हैं। तो गाइस, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपका वीडियो कुछ इस टाइप से स्क्रीन पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, मेरा वीडियो कुछ इस टाइप से स्क्रीन पर आ चुका है। एंड गाइस, मैं इसी पर आपको विंग्स ऐड करना सिखाऊंगा। सो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके वाटरमार्क वीडियो को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इसे गाइस आपको हल्का स्लोमो को ऐड कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, कुछ इतना मैं कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली गाइस सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करके एड ओवरले में क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, आपको इस विंग्स वाले वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करके एड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, आपको इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सो इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह आना, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको इस तरीके से क्रॉप वगैरह कर लेना है। सिर्फ गाइस, आपको यहाँ पर ग्रीन पार्ट को रख लेना है कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कटआउट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्रोमा की को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर गाइस, आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके आपको इंटेंसिटी पे क्लिक करना है। एंड इसे गाइस, आप इस तरीके से आपको इसे फुल कर लेना है। एंड आपको राइट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारा जो हमारा ग्रीन पार्ट था वो गाइस रिमूव हो चुका है। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली गाइस सबसे पहले आप इसे इस तरीके से अपने गाइस ऊपर एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। आपको जहाँ पर भी इसे एडजस्ट करना है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से गाइस मैं एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस हमारा कैरेक्टर के ऊपर गाइस हमारा विंग्स आ चुका है। तो इसे गाइस आपको कैसे एडजस्ट करना है, सबसे पहले गाइस आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, आपको इस तरफ आना है। एक आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी का ऑप्शन, आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये आ चुका है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस तरफ आना है। एक आपको ऑप्शन मिलेगा ओवरले का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस, आपका इस तरीके से ओवरले में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसे गाइस, आपको खिसका कुछ इस तरीके से आपको आगे की साइड आपको इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लेना है, इतना आपको कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे गाइस, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, कटआउट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको राइट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद गाइस, आपके वीडियो से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, आप देख सकते हैं रिमूव हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इस विंग्स वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइस, आप इसे सही तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। और इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस, आपको फिर से ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको विंग्स वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है की फ्रेम का, आपको उसके ऊपर क्लिक करके इस तरीके से आपको की फ्रेम ऐड करना है। एंड यहाँ पर गाइस, आपको फिर से की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे इस तरीके से अपने विंग्स को एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। आपको जहाँ जहाँ पर गाइस आपका कैरेक्टर मूव होता है, आपको उस तरीके से आपको इस तरीके से एडजस्ट वगैरह करते रहना है। तो गाइस, यहां पर हमने की फ्रेम को ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। यहां पर गाइस हमारा वीडियो बनके फाइनल तैयार हो चुका है। सो इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको ऊपर में इस एरो के आइकन पर क्लिक करके सबसे पहले अपने वीडियो को आपको एक बार एक्सपोर्ट वगैरह कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस, आपको इस रील्स वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर गाइस, आपको एड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपका ये वाला वीडियो इस तरीके से आपका स्क्रीन पर आ जाएगा।
सो इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके साउंड को म्यूट करना है। म्यूट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जहाँ से आपका बाइक वाला वीडियो आता है आपको मैं दिखाता हूँ कुछ इस जगह से, तो आपको हल्का सा बैक आना है। एंड यहाँ पर गाइस आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप इसे स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कट कर लीजिएगा एंड इस पार्ट को डिलीट कर लेना है। एंड इस वाटरमार्क वीडियो को भी आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके गाइस अभी आपने जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका वीडियो कुछ इस टाइप से स्क्रीन पर आ जाएगा। सो इसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना है एंड गाइस आपको नीचे ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड फिर से गाइस आपको रील्स वीडियो को सिलेक्ट करके आपको इनपुट साउंड ओनली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका साउंड कुछ इस टाइप से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं आ चुका है। और यहाँ पर गाइस हमारा देख सकते हैं वीडियो कुछ इतने लंबा है, तो इसे गाइस मैं इस तरीके से क्रॉप वगैरह कर लेता हूँ। कुछ इतने गाइस मैं अपने वीडियो को रखूँगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, आपको जितना भी लंबा रखना है अपने वीडियो को। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इस वीडियो में ग्लो इफेक्ट है, गाइस इस वीडियो पर ग्लो इफेक्ट नहीं है। तो अगर ग्लो इफेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो गाइस मैं उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर अपने वीडियो पर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं ग्लो इफेक्ट ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, वरना गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ऐड करना तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड गाइस मैंने जो भी मटेरियल का यूज किया सारा मटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। सबसे पहले इसे एक बार आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो गाइस आपने देखा कि हमारा वीडियो किस स्टेप से बनके तैयार हुआ है। और गाइस आप इस वीडियो पर अपने एनिमेशन ट्रांजिशन इफेक्ट को भी आप ऐड कर सकते हो, आपको नीचे ऑप्शन वगैरह मिल जाता है एंड आपको यहाँ पर काफी सारे एनिमेशन वगैरह मिल जाएगा, तो आप ऐड वगैरह कर सकते हो। तो गाइस ट्रांजिशन इफेक्ट एंड एनिमेशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको अपने यहाँ पर वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, आपको कोई भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है एंड गाइस आप यहाँ से ऐड वगैरह कर सकते हो। तो आई होप गाइस आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड साथ ही गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ, मस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब गाइस आपको क्या करना, अपने वीडियो को सेव करने के लिए फ्रेंड्स आप इस एरो का आइकन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।